नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, तेजस्वी यादव की दुल्हनिया रेचल पटना आ गई है और पटना पहुंचते पहुंचते तेजस्वी यादव ने सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़ी अफवाह का जवाब दे दिया है। देखिए, इस अफवाह में लाइव सिटीज शामिल नहीं था। लाइव सिटीज ने यह खबर ब्रेक की थी कि तेजस्वी की सगाई होगी, तेजस्वी की शादी होगी, लेकिन जब शादी संपन्न हो गई तो यह अफवाह फैलने लगी कि तेजस्वी की शादी उसी लड़की से हुई है जो कभी तस्वीरों में वायरल होती थी और जिस पर विपक्ष सवाल उठाता था, और वह तस्वीर थोड़ी आपत्तिजनक थी और लालू यादव के परिवार के ही कुछ लोग इस सवाल को उठा रहे थे। तो देखिए, यह सवाल लाइव सिटीज के पास भी आया था और सबसे पहले आया था। जब तस्वीरें मेरे पास आई, रेचल की तस्वीर जो तेजस्वी यादव की दुल्हनिया बनी है और वह पुरानी तस्वीर, तो देखिए, मैं क्राइम की रिपोर्टिंग का पुराना अनुभव रखता हूं। मैंने दिल्ली में जानने वाले जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनके पास दोनों तस्वीरें भेजी थी और पूछा ये था कि आप बताइए, क्या ये दोनों लड़कियां एक हैं? जवाब मिला था नहीं है। तभी से हमने यह तय कर लिया था कि उन पुरानी तस्वीरों पर हम कोई खबर नहीं चलाएंगे, उन पुरानी तस्वीरों को दिखाकर सवाल उठाने वालों पर खबर नहीं चलाएंगे। और आज जब तेजस्वी यादव अपनी नई दुल्हनिया के साथ, रेचल के साथ पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पहुंचे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देखिए, हमारी पत्नी वो नहीं है जिसके बारे में, जिस तस्वीर के बारे में लोग उलूल जुलूल बातें करते रहते। ठीक से देख लीजिए, रेचल को उन्होंने दिखा दिया और रेचल ने भी मास्क उतारकर, ऐसा नहीं कि मास्क में वो छुपी रही, मास्क उतार कर अपना चेहरा दिखाया, सभी के सामने प्रकट हुई। और तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि देखिए, अभी रेचल को राजनीति में लाने का कोई इरादा उरादा नहीं है, जल्दी ही बहु भोज देंगे और अच्छी पार्टी देंगे। शादी देखिए गुपचुप तरीके से इसलिए की या जल्दी में इसलिए की क्योंकि फैसला हो गया था, और यदि हम सभी को बुलाते तो दिल्ली में क्या हाल होता आप समझ सकते हैं। दिल्ली में इतने लोग कहां से फिट बैठते। और तेज प्रताप यादव की शादी में आपने देखा ही था किस तरीके से मंच टूट गया था। इसलिए दोनों परिवारों को लेकर शादी संपन्न हुई, दोनों परिवार के लोग आपस में मिले, एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका मिला। और उन्होंने यह भी बताया कि देखिए, शादी के पहले उन्होंने अपने पिताजी की मंजूरी ली, लालू यादव की। लालू यादव ने मुझसे पूछा था कि कोई लड़की बड़की देखे हो, शादी करना है तुम्हारी? तो मैंने कहा हाँ देखे हैं। तो उन्होंने कहा दिखाओ मुझे, तो हमने लड़की दिखाई, उन्होंने पसंद कर लिया, पापा ने पसंद कर लिया, मम्मी ने पसंद कर लिया, फिर बात कहाँ बनती थी, तो हमने शादी कर ली और शादी का फैसला परिवार से हुआ। वैसे भी देखिए, प्यार यदि आप कीजिए तो शादी कीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देखिए, हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से आने वाले हैं और जब किसी पर दिल चला जाता है तो उस रिश्ते को निभाते हैं, तो हम पटना आए हैं और सभी के बीच में जल्दी ही बहु भोज देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, हमारे पिताजी ने हमारी पत्नी का नाम अब राजश्री रख दिया है ताकि बिहार के लोगों को नाम पुकारने में, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन असली नाम रेचल ही है, जैसा लाइव सिटी ने सबसे पहले बताया था। फिर जब दोस्ती की बात आई कि दोस्ती कब से और कैसे, तो उन्होंने कहा पुरानी दोस्ती है। देखिए, लाइव सिटीज ने कभी नहीं कहा, कई दूसरे मीडिया हाउस चलाते रहे कि रेचल आर के पूरम में साथ पड़ी है, डीपीएस आर के पूरम में। हमने ये कहा था, पहले दिन से कहा था, पहले वीडियो से कहा था कि ये दोस्ती 5-7 साल पुरानी है। वही बात आज फिर से कन्फर्म हुई। जब रेचल से सवाल पूछा गया कि आपने तेजस्वी यादव के भीतर कई परिवर्तन देखे, मतलब क्रिकेटर के रूप में परिवर्तन देखा आपने, फिर लालू यादव के पुत्र के रूप में देखा, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में देखा, तो देखिए, रेचल ने बिल्कुल ही सामान्य भाव से, जो जब प्यार होता है तो जैसा लड़कियां कहती हैं कि मैंने तेजस्वी के भीतर कुछ भी नहीं देखा, मुझे तेजस्वी दिखा, तो ये सारी बातें होती रही। और आज रेचल ने और साधु यादव के सवाल पर, लालू यादव ने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि बड़े लोग हैं, मुझे क्या कहना है, लेकिन देख लीजिए, ये वो नहीं है। देखिए, जब वो तस्वीरें वायरल होती थी तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये तस्वीर जो है वो आईपीएल के दिनों की है, जब लोग कई तरीके से मिलने चले आते हैं, ड्रिंक्स लेकर चले आते हैं, और अब
जब यह कहा जा रहा था कि ये लड़की, वही आरोप लगाया जा रहा था और इसे लेकर के बहुत सारी बातें छिड़ गई थी, तभी लाइव सिटी ने, हमने व्यक्तिगत तौर पर देखिए, खबरें तो बाद में चलनी शुरू हुई कि ये वही लड़की है, ये सुबह में शुरू हुई, हमें तो रात को ही पता था। और रात में ही हमने दिल्ली में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, जिनका काम ही है फोटो का फोटो से मिलान करना, वे माइक्रो एनालिसिस करते हैं, जो फोटो में तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उससे पहचान करते हैं कि इस फोटो में जो वो है वो दूसरे फोटो से मिलान कितना खाता है। तो हमने वो मिलान करा लिया था, इसीलिए हम इस स्टैंड पर बने थे। कई लोग कह रहे थे, हमारे साथी भी कह रहे थे कि देखिए ब्यूज का सवाल है और इस तरीके का सवाल जब दूसरे लोग उठा रहे हैं तो मुझे पूछने में क्या दिक्कत है, लेकिन जिस बात में सच्चाई मुझे नहीं दिखती और मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। और फिर जब हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जानकारी प्राप्त कर ली थी तो फिर शख्स सुबह कहां रह गया था, इसलिए अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है और जल्दी ही बहुभोज होगा, बड़ा बहुभोज होगा और लालू यादव भी शिरकत करेंगे। जैसे ही रेचल घर में पहुंची है, राबड़ी देवी ने आरती उतारी है, जो सास है वो दो दिनों पहले ही पटना आ गई थी। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा लाइव सिटीज को, और इस खबर पर हम आगे भी बने रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अब जब रेचल आ गई है, तेजस्वी यादव आ गए हैं, तो कहां मंदिर में पूजा पाठ को जाते हैं, जो घर की परंपराएं हैं उसका कैसे निर्वहन करते हैं, तेज प्रताप यादव भी आएंगे, लालू यादव की जो बेटियां हैं वह भी आएंगी, तो सभी लोग आते रहेंगे। और इस तरीके से जो पारिवारिक है माहौल जो है, दोनों परिवार से कैसे जो मेल मिलाप, आप जानते ही हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए हमने बहुत लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि दो अलग अलग परिवारों को मिलना था, इसलिए हमने बहन के परिवार को, भाई लोगों को और जो बहुत खास थे उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया। फिर उसी तरीके से दूसरे पक्ष से भी, और लड़की ने भी कहा कि जब हम लालू जी से मिलने गए थे पहली बार जिंदगी में, तो मुझे लगा ही नहीं कि वे इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया। और जब हमने आशीर्वाद लिया लालू जी से, राबड़ी देवी से, तो फिर मुझे बहुरिया का आशीर्वाद मिला और हम लोग दोस्त हैं, अब तो शादी में बदल चुके हैं, शादी हो गई है, तो सभी लोग खुश रहें, हम भी कामना करते हैं कि ये लोग खुश रहें। तो इन खबरों पर लाइव सीरीज बना रहेगा, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।